Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Tree. और guys, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मेरा चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब भी किया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर लो यार, आप लोगों का कहीं चला जाएगा. हाँ, कर ही लो, छोटा सा चैनल है, मैंने ओपन ओपन किया है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन वोटिवेशन मिल जाएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. थोड़ा सा गाइस, ये वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे बच्चों को अब क्या है, रैंक्स और सारी चीज़ों का लगभग लगभग आइडिया लग चुका है. तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक मॉडरेट है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक लो है. ये तीन कैटेगरी तो ये हो गई. तो मैं भी कुछ यूट्यूबर्स का वीडियो देख रहा था अभी, उन्होंने वीडियो बनाया है तो कुछ काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिसिंग हो गई हैं, तो वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं वो सारी चीज़ें शॉर्ट में बनाऊंगा और वो सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूंगा मैं, है ना. तो पहली चीज़ तो जिन बच्चों की रैंक बहुत अच्छी है, मतलब अंडर 1000 जिन बच्चों की रैंक आ रही है, तो उनके लिए मेरा क्या सजेशन है और क्या मेरी सलाह है. देखो गाइस, अगर आपकी रैंक अंडर 1000 आ रही है और आपने कहीं ना कहीं JEE में बहुत अच्छी परसेंटाइल आपकी है, मतलब 95 से अबव है आपकी परसेंट, 96, 97 के बीच में है, या 98 के बीच में भी अगर आप मान रहे हो, तो आप लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि अभी आप लोगों के पास 2 अटैम्प्ट बचे हैं JEE के, तो वो 2 अटैम्प्ट के लिए प्रिपरेशन में आप अभी से लग जाइए. ये नहीं कि आपको VITEE में रैंक मिल गई है तो उसके भरोसे आप बैठ जाएं. देखो, कहीं ना कहीं VITEE का अपना एक अलग थोड़ा बहुत वर्चस्व है. खैर, मैं तो VITEE के हमेशा इतना प्रशंसक नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब से उनको NIRF रैंक इतनी अच्छी मिली है तो मैं थोड़ा सा उनको कम ही उनकी तरफ रहता हूँ. लेकिन मेरा मानना यह है कि एक अलग ऑरा है VITEE का. लेकिन अगर आप लोगों की परसेंटाइल अच्छी है तो अभी आप लोगों को वापस से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए. VITEE ठीक है, लेकिन अगर कोई अच्छा NIT या IIT आप लोगों को मिल जाता है, इवन NIT भी मिल जाता है, तो यार NIT की एक अलग ब्रांड वैल्यू है. तो मेरा सजेशन ये है, VITEE में अच्छा मिल रहा है, काउंसलिंग में बैठो, CS ले लो, लेकिन अपने मेंस की प्रिपरेशन जारी रखो, क्योंकि रिफंड पॉलिसीज़ में काफ़ी आप लोगों को रियायतें मिली हुई हैं, और 60 दिन का है, एक 90 दिन का है, तो काफ़ी लंबे लंबे समय तक आप वापस रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. अगर वो वीडियो नहीं देखा है रिफंड वाला, तो यार उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर वो वीडियो देख लेना रिफंड वाला, क्या क्या रिफंड की प्रॉपर पॉलिसीज़ हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़, अब जिन बच्चों की रैंक जो है कि वो एवरेज है, तो जिनकी रैंक एवरेज है तो उनके लिए सबसे बढ़िया जो टिप है गाइस, वो ये है कि अपनी जो ब्रांच भरना है, मतलब चॉइस फिलिंग जो है, वो बहुत ही अच्छे से करिए, है ना. अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत अच्छे से करिए. उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर चॉइस फिलिंग नहीं सही हुई तो देखो, बहुत अच्छी रैंक होने के बावजूद भी कुछ हाथ नहीं लगेगा. सिविल ऊपर डाल दोगे तो सिविल तुरंत मिल जाएगी, लो भैया अब टाटा बाय बाय, फिनिश, गेम ओवर. तो ऐसा नहीं करना है. चॉइस फिलिंग मैंने आप लोगों को बताई है एक वीडियो में, जिसने वो वीडियो भी नहीं देखा है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चॉइस फिलिंग नाम से मैं दे दूंगा, वो भी जाके देख लेना, ठीक है. थोड़ा सा अब और आगे आ जाता हूँ. जिनकी रैंक लो है वो क्या करें, जिनकी रैंक लो है तो पहली चीज़ तो अब आपको देखना है आपके पास ऑप्शंस क्या बच रहे हैं, ठीक है. ऑप्शंस कुछ नहीं बच रहा है तो VITEE एकमात्र ऑप्शन है. तो ड्रॉप अगर नहीं करना चाह रहे हो, देखो अगर पढ़ने का मन है, इच्छा है और लग रहा है कि एक साल और पढ़ लेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2-4-5 महीने पढ़ के और वापस से आप मेंस में अपीयर हो सकते हो, अगर पढ़ने का मन है तो. पढ़ने का मन नहीं है और पैसे की पोटली है अपने पास, तो अपनी और रैंक भी लो है, तो अपने को अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं कैटेगरी 4th में और कैटेगरी 5th में, है ना. तो पैसा कहीं तो काम आए. अब बहुत सारे लोगों का इसमें ये भी है कि कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5 में भैया इतने पैसे हम लगाएंगे तो क्या वर्थ है ना. तो देखो यार गाइस, मेरा मानना ये है कि अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, ड्रॉप भी नहीं करना है, तो वर्थ क्यों नहीं है ये बताओ मुझे. चलो मान लिया आपने 20 लाख रुपये लगाए, 25 लाख मानता हूँ, मतलब 25 लाख रुपये लगा लिए, ठीक है. 25 लाख के बाद आपका 4 या 5 लाख रुपये का पैकेज भी लग गया, ठीक है. तो 5 5 हो गया 25, ठीक है. 5 साल आपने जॉब की और 5 5 25 हो गया. हालांकि ऐसा नहीं होता, हर साल के बाद आपका पैकेज रिवाइज होता है. चलो मैं तो मानता हूँ 5 लाख रुपये का आपका लगा था, 5 लाख रुपये एवरेज मान लेता हूँ मैं 5 साल का. 5 5 25 हो गया, 25 लाख रुपये आपने लगाए, 25 लाख रुपये आपके ये हो गए, ठीक है भाई, ये हो गए. मैं तब बात कर रहा हूँ जब पैसे ठीक ठाक थोड़े बहुत पैसे हैं ना अपने पास. ये नहीं कि पैसे नहीं है, घर वालों को ज़मीनें बेच के आप लोग कह रहे हो नहीं 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 VITEE जाना मुझे, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना भैया, है ना.
ये मैं आप बता रहा हूँ, जब एक ठीक ठाक पैसे अपने पास हैं कि 25 लाख रुपये अपन दे सकते हैं, तो मैं उसके बाद का सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। तो VITEE जैसे अच्छे कॉलेज के लिए आपको लोन्स भी मिल जाएंगे। तो आप क्या करो, 5 लाख, 5 साल का अपन ने माना 25 लाख रुपये, 5 साल में आपकी एज कितनी होगी, 18 साल के आप 19, 20, 21, 22, 22 साल हो गए, 22 और 5, 27 साल, 27 साल में आपने सब कुछ चुकता कर दिया, अपना लोन लान जो कुछ आपका इन्वेस्टमेंट किया था आपने VITEE में, सब आपने चुका दिया। भाई उसके बाद की ज़िंदगी भी तो जियोगे ना, तो क्यों वर्थ नहीं है? कौन कह रहा भाई वर्थ नहीं है इसकी? और कैसे वर्थ नहीं, मुझे समझाओ ज़रा। एक रैंक अच्छी नहीं है, एक तो कॉलेज मिल रहा है ठीक ठाक, पैसे लगाने पे ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल रहा है, तो वर्थ क्यों नहीं है? बिल्कुल वर्थ है भाई, मेरे हिसाब से तो वर्थ है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कितना पैसा है आपके पास। अगर पैसा है तो कैटेगरी 4th कैटेगरी 5th में CS बिल्कुल ले लो, है ना, क्योंकि अगर दूसरे ऑप्शंस नहीं हैं तो। साथ ही साथ अगर मेहनत करने में दिलचस्पी है तो मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। तो ये मेरी सलाह है भैया आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक कोर्स पैटर्न वाला इतना इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बताया था, किसी ने नहीं देखा, तो वो कोर्स पैटर्न वाला बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, वो देख लेना आप लोग। तो फर्स्ट ईयर में जब भी जाओगे तो ये वाला वीडियो आपके बहुत काम आएगा। चॉइस फिलिंग वाला नहीं देखा, चॉइस फिलिंग वाला भी कम लोगों ने देखा, चॉइस फिलिंग वाला भी देख लो, ठीक है। बैलेंस एंड एडवांस वीसा क्या सिनेरियो है, वो वाला भी वीडियो आप चाहो तो देख लो। सारे वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन है लिंक, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाओ चैनल पे देखो, वीडियोस देखो, उससे आप लोगों को चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज़ करण, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, ध्यान रखिए और अपनों का, और जय हिंद जय भारत का इस।